चलिए अब आपके फायदे की खबर आपको दिखाते हैं, और वो क्या है, हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों की मनमानी खत्म करने के लिए एविएशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की। इसमें सबसे बड़ी राहत मिली है टिकट कैंसिलेशन पर, फ्लाइट में देरी और कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी यात्रियों के लिए मुआवजे की बात इस ड्राफ्ट में शामिल है। ड्राफ्ट पर अब सभी पक्षों से राय मांगी गई है और 2 महीने के भीतर इन प्रस्तावों को लागू किया जा सकता है। हवाई यात्रियों को बड़ा तोहफा। सरकार ने ड्राफ्ट की पॉलिसी। टिकट कैंसिलेशन में पूरा रिफंड। फ्लाइट में देरी होने पर मुआवजा। हवाई यात्रियों को बहुत दिनों से इंतजार था कि उनके हक की बात पर फैसला हो, एयरलाइंस की दादागिरी खत्म हो, उन्हें किराए के बदले सुविधाएं मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने पैसेंजर चार्टर का ड्राफ्ट पेश कर दिया है। यात्रियों के हिसाब से ये चार्टर सबसे बड़ी बात है। अभी आप टिकट कैंसिल कराते हैं तो बड़ी मुश्किल से कुछ हिस्सा ही आपको रिफंड मिल पाता है, लेकिन नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर फ्लाइट बुकिंग के 24 घंटे के भीतर यात्री टिकट कैंसिल कर देते हैं तो उन्हें इसके लिए कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन इसमें एक शर्त जरूर है, वो ये कि फ्लाइट कम से कम 96 घंटे बाद की हो। ये भी साफ किया गया है कि किसी भी हालत में कैंसिलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्ज के जोड़ से अधिक नहीं हो सकता है। ये नियम सभी देशी और विदेशी एयरलाइंस कंपनियों पर लागू होगा। हियर व्हाट वी आर प्रपोजिंग इज दैट द टिकट कैन बी कैंसल्ड विदाउट एनी चार्जेस। द टिकट कैन बी कैंसल्ड विदाउट एनी चार्जेस फॉर 24 आवर्स प्रोवाइडेड यू डू दैट 96 आवर्स before flight departure. So 96 hours before flight departure, if you cancel your ticket within a 24 hour time period, you do not have to pay any cancellation charges. And there will be no additional charge for correction in the name of a person within 24 hours of booking the ticket. यात्रियों की दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है फ्लाइट कैंसिलेशन, देरी या फिर कनेक्टिंग फ्लाइट ना मिलना। इस पर भी राहत दी गई है। अगर यात्रियों को 24 घंटे से 2 हफ्ते पहले तक फ्लाइट कैंसिलेशन की जानकारी दे दी जाती है तो दूसरी फ्लाइट का इंतजाम करना होगा। यात्री को बुकिंग टाइम के 2 घंटे बाद की फ्लाइट या फिर पूरा रिफंड करना होगा, और ये यात्री की मर्जी पर होगा कि उसे क्या चाहिए। अगर एयरलाइंस कंपनियों की गलती की वजह से फ्लाइट में देरी होती है तो यात्रियों को इसका हर्जाना देना होगा। अगर फ्लाइट अगले दिन तक के लिए देरी होती है तो बिना किसी अतिरिक्त चार्ज लिए यात्रियों के होटल में रुकने का प्रबंध करना होगा। अगर 4 घंटे से ज्यादा की देरी है तो यात्रियों को पूरा रिफंड मिलेगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर भी कंपनियों को हर्जाना देना होगा। कनेक्टिंग फ्लाइट मिस होने पर देरी 12 घंटे से ज्यादा की है तो ₹20,000 मुआवजा देना होगा। इट इज सोली ड्यू टू द एयरलाइंस फॉल्ट, देन द पैसेंजर हैज टू बी कॉम्पेंसेटेड फॉर अ कैंसिलेशन or the ticket has to be refunded. So we are going to be issuing a draft card for that. If the flight is delayed, then again passengers are going to be compensated in various ways. If the flight is delayed for more than 4 hours, the airlines have to offer an option for a full refund of the ticket. If it involves a flight on the next day, then you have to provide a hotel stay with no additional charge. And if there are connecting flights that are missed, then you get compensation for those as well. इसके साथ ही सरकार घरेलू हवाई यात्रियों को पेपरलेस सफर की सुविधा देने जा रही है। इसके लिए यात्रियों को एक यूनिक नंबर हासिल करना होगा। यात्रा के वक्त एयरपोर्ट पर उन्हें सिर्फ ये नंबर बताना होगा। ऐसा करके वो अपने समय की बचत कर सकते हैं। डिजी यात्रा के तहत पहचान पत्र के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। पैसेंजर चार्टर का ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे पब्लिक डोमेन पर रायशुमारी के लिए डाल दिया गया है और माना जा रहा है कि 2 महीने के अंदर इन प्रस्तावों को लागू किया जा सकता है। समीर दीक्षित, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपको बताएं कि इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित भी हैं इस पूरी खबर पर लाइव। तो समीर, ड्राफ्ट पर सभी पक्षों से राय मांगी गई है, 2 महीने के भीतर इन्हें लागू भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या आसानी से पूरे प्रस्ताव लागू हो जाएंगे? फौरी तौर पे अगर आप देखें सामने से तो सब कुछ काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जहां सरकार बात कर रही है हवाई मुसाफिरों की, उनके लिए फ़्लाइट कैंसिलेशन, फ़्लाइट के रिफंड के नियमों को काफ़ी आसान और एयर फ्लायर है उसके पक्ष में बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी भी जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम एयरलाइंस
कंपनसेशन को लेकर के साथ नज़र नहीं आ रही हैं। और चूंकि अभी ये ड्राफ्ट स्टेज पर है तो ये माना जा रहा है कि इसमें कई फेरबदल, जब तक ये फाइनल नोटिफाई होता है तब तक कई बदलाव हम इसमें देखेंगे। और अभी चूंकि एक महीने का समय है, इसमें कई संशोधन की गुंजाइश यहाँ पे बरकरार है, तो ये माना जा रहा है कि इसमें अभी कई संशोधन किए जा सकते हैं। और जो एयरलाइंस का लगातार विरोध है कंपनसेशन को लेकर के, उस दिशा में भी कुछ हम बदलाव आने वाले वक्त में देख सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि पैसेंजर चार्टर फोरम कोई पहली बार सरकार लेकर सामने नहीं आ रही है, पहले से मौजूद था, इसको और थोड़ा मजबूत बनाने की कोशिश इस कदम के जरिए की गई है। लेकिन होता क्या है कि एक तो इसकी ज़्यादा जानकारी हवाई मुसाफिरों को नहीं होती है, दूसरा इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार भी नहीं किया गया है, तो इसका आउटकम यही होता है कि जो मुसाफिर है, जो फ्लायर है, उसको उसके हक की ज़्यादा बातें नहीं पता होती हैं। यही वजह है कि जो उसका असल में उसका जो फ़ायदा जिसको उठाना है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाता है। लिहाजा अब ये देखना होगा कि जो तमाम नियम कायदे कानून जो सरकार बना रही है उसको जनता तक वो कितना ले जा पाने में सफल हो पाती है, क्योंकि जब तक लोगों को जागरूक नहीं होंगे तब तक उसका असल फायदा नहीं होता वो नजर आएगा। बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए आपका।